हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है छोटी दिवाली, तो दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। तो गाइस, अभी बज गए हैं 10:15 और मैं अब आ रही हूँ मंदिर की सफाई करने के लिए, क्योंकि सुबह से दौड़ भाग हो ही जा रही है। तो मैंने सोचा कि चलो मंदिर साफ कर देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने पहले भी कर दिया मंदिर साफ, लेकिन मैंने भी किया था 3-4 दिन पहले, लेकिन आज मैं फिर से साफ कर रही हूँ यहाँ पर। तो नाश्ता वगैरह तो मैंने बना लिया, और नाश्ता बनाने के बाद मैंने नाई और जो मेरे कल कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे मैंने यहीं नीचे सुखाने के लिए। आपको मेरी साइकिल शायद नहीं आ रही होगी, क्योंकि पीछे से धूप पड़ रही है। मैं पहले पर्दा बंद करती हूँ। तो अब आ रही होगी आप लोगों को मेरी सकल। मैंने खिड़की तो बंद कर दी है और क्या कहते हैं इसे, लाइट जला दी है, फैन चला दिया, क्योंकि मुझे लग रही है गर्मी। मैं सुबह से दौड़ने पर लग रही हूँ, तो इस वजह से बस नाश्ता वगैरह मैंने उनको तो दे दिया है, मैंने नहीं किया। मैंने चाय तक भी नहीं पिया सुबह से। ये सब काम हो रहा है साफ सफाई करने का, और जितना मैंने कल साफ किया था उतना आज फिर से वैसे हो चुका है, क्योंकि बाहर अंदर सब ऐसे ही हुआ था अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने अभी झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया है। तो चलो फिर मैं मंदिर को साफ करती हूँ। और आज मेरा फ़ोन भी थोड़ा ना ख़राब जैसा हो रखा है। ख़राब मीन्स कि चार्ज नहीं कर रहा है फ़ोन। तो मैंने इनके लैपटॉप के चार्जर से लगा तो रखा है चार्ज करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है वो। तो मुझे लग रहा है कि या तो जैक में प्रॉब्लम हो गई है इसकी, या फिर चार्जर में ही प्रॉब्लम हो गई है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। शॉप पे दिखा के आपको लेके आऊँगी, नहीं तो फिर मेरे ब्लॉग्स नहीं बन पाएंगे। जो मैंने इतने दिन से सोचा है कि ब्लॉग बनाऊँगी वो नहीं बन पाएंगे। तो चलो फिर मैं फटाफट से पहले मंदिर साफ करती हूँ, और मंदिर साफ करने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, पूजा वूजा हो गई है मेरी, साफ़ सफाई मैंने कर दी है यहाँ पर, और ये मैंने चौकी लगा दी है गणेश जी के लिए और लक्ष्मी माता के लिए, और हनुमान जी मंदिर के अंदर चले गए हैं, क्योंकि वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा छोटा और स्पेसियस नहीं है। उसमें एक ही चीज़ आ सकती है, या फिर मतलब कोई छोटी मूर्ति हो तो दो आ सकती हैं बस। तो अभी जो मैंने ये जो मेरी रिंग लाइट थी ना, अभी मैंने फ़िलहाल वही अटैच कर रखी है, क्योंकि लड़ी अटैच नहीं हो पा रही है, तो दोनों में से एक ही चीज़ जुड़ पाएगी, तो उसके लिए 3 पिन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो अभी ठीक 11:15 का टाइम हो गया, और अब आ रही हूँ मैं किचन में। और अभी देखो सारा कैसे फैल रखा है, क्योंकि कुछ कपड़े सूख गए थे ऊपर छत में, उनको मैं नीचे लेके आ गई थी, और मैंने नाश्ता वास्ता बनाया, तो सब ऐसे अभी बिखरा हो रखा है। तो पहले मैं पेट पूजा करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, और यह है कि टाइम भी हो ही चुका है। तो ये मेरा नाश्ता और खाना दोनों ब्रंच हो चुका है ये मेरा, और चाय मैंने सुबह एक पी ली थी। तो चलो फिर, आज मैंने मूली के पराठे बनाए, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखे, अपने मिनी ब्लॉग में डाल रखे हैं। तो चलो फिर पहले मैं नाश्ता करती हूँ, और फिर पहले मार्केट का काम करके आती हूँ, क्योंकि फिर ना ये गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, और फिर वो हाथ में उठा के लेके आना पड़ेगा। और इस बार जियो मार्ट से नहीं ला रहे राशन, इस बार मैंने सोचा है कि विशाल मेगा मार्ट का देखते हैं कि कैसा रहता है, तो इस बार वहाँ जाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से मैं नाश्ता करती हूँ, मार्केट के काम करती हूँ, और आपको भी ले जाऊँगी अपने साथ ही मार्केट में। तो चलिए फिर। तो दोस्तों, किचन की सफाई वगैरह हो गई है। ये थोड़ा सा मंदिर का जो सामान है, ये मैंने यहाँ पे भिगोने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी तेल लग रखा है, तो थोड़ी देर भीगेगा तो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मैंने ये आज उद्घाटन कर दिया है टोकरे का, जो मैं कल लेके आई थी स्टैंड, तो ठीक है, मतलब बढ़िया, मतलब क्वालिटी भी ठीक है, और आ जाएंगे इसके अंदर बर्तन भी। तो मैंने मंगाई थी ये सेल्फी स्टिक, लेकिन इसका ना 4-5 पार्ट दिखा रहा था वो, तो हमने समझा कि इसमें ना एक ही, हमने सोचा अलग अलग 5 पार्ट आएंगे, लेकिन ये एक ही में ही अटैच है, और ये सेल्फी स्टिक टाइप की है, तो इससे ना नॉर्मली छोटे मोटे वीडियोस अगर रील्स वील्स बनानी हो तो वो सब शूट हो जाएंगे। तो 311 रुपये में मिला मुझे, तो ये कह रहे थे क्वालिटी थोड़ा हल्की है, रिटर्न कर देते हैं, पर मैंने कहा यार 311 रुपये में आजकल मिलता क्या है, तो रख लेती हूँ इसको, मैं कौन सा इतना ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ।
तो बस इधर मैंने ये सारा जो खलारा था वो समेट दिया है। तो बस अभी फटाफट से मैं थोड़ा लड़ियाँ लगा देती हूँ और झाड़ू पोछा मैं फिर लास्ट में करूँगी बाद में। तो मैंने अभी मार्केट जाना थोड़ा कैंसिल कर दिया है, थोड़ी देर मतलब रेस्ट करके तब निकलूँगी मैं मार्केट के लिए। और ये तोरण वगैरह भी थोड़ा लगा देती हूँ आज ही, तो कल के लिए मैं फ्री हो जाऊँगी, कल मैं फिर ज़्यादा काम नहीं करूँगी। और ये लड़ियाँ लगाती हूँ मैं बाहर वाले उसमें, तो देखती हूँ कैसे कैसे लगती हैं लड़ियाँ, तो इनकी हेल्प से लगा देते हैं फटाफट से। तो मैं ये जो मालाएँ लेके आई थी प्लास्टिक के फूल वाली मालाएँ थी ये, तो ये लगा रही थी मैं, तो इसको लगाने में भी काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि ये टेप से नहीं चिपक पा रही थी और कील इतनी थी नहीं कि जो मतलब मैं इनको अटका सकूं, तो ये बार बार ना नीचे गिर जा रही थी, फिर उतनी बार लगानी पड़ रही थी। तो अभी तो चलो मैंने जैसे कैसे करके अटका दी हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं, अगर नीचे गिरेगी तो कीले लेके आनी पड़ेंगी और वो ठोकनी पड़ेंगी, लेकिन वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जब तक अटकी हुई हैं तब तक ठीक है। और इसी तरीके से ना मैंने दोनों कमरों के बाहर लटका दी हैं। तो दोस्तों अभी मैंने ये लाइट नहीं लगाई है, इन्होंने बोला मैं अपने आप लगाता हूँ करके, और फिर मैंने छोड़ दिया और झाड़ू पोछा किया मैंने फटाफट से। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, टाइम हो गया है 12:57, तो लड़ियाँ अभी बाद में आके लगाऊंगी इनके साथ ही। और अभी चाहती हूँ मैं पहले फटाफट से सामान वगैरह ले आती हूँ, और आप लोग भी बने रहिए फिर मेरे साथ। और पानी की बोतल एक ले के जा रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत प्यास लगती है, तो पानी फिर लेना पड़ता है रास्ते में या फिर होटल में ना कहीं पे रुक के शॉप्स में पीना पड़ता है गंदा सा पानी, तो आज पानी की बोतल लेके जाती हूँ साथ में। तो फिलहाल मैंने कल ही वाला कुर्ता पहन लिया क्योंकि मैंने ये कल 1 या 1.5 घंटे पहना था, तो मार्केट ही जा रही हूँ फिर मैंने यही पहन दिया है। तो दोस्तों विशाल मेगा मार्ट से तो बाहर आ चुके हैं, कुछ ज़्यादा ख़रीदारी नहीं करी हमने विशाल मेगा मार्ट से क्योंकि मतलब लोकल ब्रांड ही है वहाँ पर, कुछ ऐसा खास है नहीं, तो मैं तो आ गई वहाँ से। तो अभी हम फिर से अपने जियो मार्ट में ही चलेंगे और आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे विशाल मेगा मार्ट में आने की। तो चलो फिर चलते हैं जियो मार्ट। तो दोस्तों मार्केट से आ चुकी हूँ मैं, इतनी भीड़ हो रखी थी मार्केट में, और फटाफट से सामान लिया मैंने थोड़ा बहुत जितना भी लेना था मुझे। और अभी चावल रख दिए हैं, 3 बज गए हैं, पता नहीं कब खाएंगे खाना, कह रहे मुझे भूख लग गई, मैंने बोला मैगी वैगी खा लो अभी बे टाइम पे, कह रहे नहीं मैं दाल चावल ही खाऊंगा, मैं कहा ठीक है फिर खाओ तो ये जो कपड़े मैंने धोए थे मंदिर के वो मैंने सुखाने नहीं डाले हुए थे, तो उनको सुखा के डाल के आती हूँ जरा छत में, और जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको भी नीचे लेके आती हूँ। और मेरी वहाँ पे ना हरी सब्जी भी बहुत अच्छी हो रखी है, तो मैं सोच रही हूँ कि तोड़ के लेके जाई जाए, लेकिन वही है कि अभी सब्जियाँ हैं वैसे फ्रिज में रखी हुई, तो मुझे इसकी कफली बनाने का मन हो रहा है, तो देखती हूँ मैं अभी लेके जाती हूँ तोड़ के या फिर परसों मंडे को लेके जाऊँगी, करूँगी कुछ ना कुछ। तो अभी मैंने इतने सारे कल कपड़े धोए थे तो सब सूख चुके हैं, एक बारी के कपड़े तो मैं ले गई थी नीचे, अभी दूसरी बारी के लेके जा रही हूँ नीचे, और अभी तीसरी बारी फिर आना पड़ेगा मुझे छत में। और अभी भी ना सामान पूरा नहीं आया, मतलब खेल बतासे वगैरह कुछ नहीं आया इसके लिए, फिर इन्हीं को भेजूंगी अब मैं, खुद नहीं जाऊंगी क्योंकि ना मार्केट में जाके पता ही नहीं चल रहा है, याद ही नहीं रही चीज़ों की कि क्या लेना क्या नहीं लेना, बिल्कुल कन्फ्यूजन जैसा हो जा रहा है, इतनी सारी चीज़ें देख के हौच पौच हो जा रहा है। तो अभी मैं घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा काम सिर्फ किचन का रहता था, बाकी सारा काम मम्मी लोग देख लेते थे, पूजा वूजा का ये सब, और यहाँ पे मुझे सब कुछ अपने आप ही करना पड़ रहा है,
मार्केट भी जाते थे हम लोग, लेकिन यही था कि पूजा वूजा का सब मम्मी देख लेते थे और मैं किचन ही किचन का देखती थी, साफ सफाई का देखती थी, बाकी सुमित भी था वहाँ पर वो भी कर लेता था, तो सब मिलजुल के करते थे ना तो हो जाता था। यहाँ पे खुद से सब कुछ अकेले अकेले करना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा पजल हो रहा है दिमाग। तो चलो फिर सीटी आने वाली है अभी चावल पे, और क्या बनाते हैं ये इसके साथ, दही बोल रहे हैं, दही तड़का बनाता हूँ करके। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ हस्बैंड जी द्वारा बनाई गई दही तड़के की रेसिपी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि तेल लिया है, इसमें क्या डाला तुमने? वो डाला मैंने तो, उन्हें मसाले का नाम नहीं है पता, सॉरी, पर जीरा है। जीरे में ये क्या डाला तुमने? इलायची। और यहाँ पर ये प्याज टमाटर काटा हुआ है, और दही 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 हो जाएगी इतनी सी दही। तो अब ये प्याज डाला जा रहा है यहाँ पर, प्याज तो प्याज ही है, तो तुमने बहुत स्पीड में बना दिया ना। आप क्या क्या डाला ये तो बताओ, प्याज टमाटर उसके बाद क्या डाला? हल्दी नमक धनिया है ना, गरम मसाला, धनिया पाउडर। तो ये दही है, तो दही थोड़ा कम हो गया है, इसमें हम डालेंगे। उसी में डाल दो सारे मसाले, उसी में। तो बस इसको इतना ही पकाना पड़ता है और ये तैयार हो जाता है। मतलब पका बंद किया हुआ है। अच्छा, गैस बंद कर रखा है और तब दही डाली है, और दे चम्मच। तो दही तड़का बन के तैयार है, बिल्कुल कड़ी की जैसे ही होता है ये। जब भी दाल वाल को समझ में ना आए तो हम ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक लड़ी यहाँ पर भी लगा दूँ। तो फिर मैं एक लड़ी लेके आई और मैंने यहाँ पे लगाई, तो मुझे बहुत ही खुशी मिल रही थी लड़ी लगा। तो जिस तरीके से मैंने अंदर के लिए लड़ियाँ सोची थी कि मैं इस तरीके से लगाऊंगी, उस तरीके से लग नहीं पाई, क्योंकि उसके लिए उतना तार चाहिए था, एक्सटेंशन चाहिए था, जो अवेलेबल नहीं था हम लोगों के पास। तो उसी हिसाब से मैं लड़ियाँ भी ज़्यादा ले आई थी, तो कुछ लड़ियों ने बच ही जाना था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो एक लड़ी मैं यहाँ पर भी लगा देती हूँ। और काफ़ी अच्छी लग रही थी और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी लड़ी लगाते हुए, और मतलब एक अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही थी। तो रेड और गोल्डन का कॉम भी बना के लेके आई थी मैं शॉप से, क्योंकि मेरा मन था कि मैं पहले तो स्काई ब्लू का था मेरा कि मैं ब्लू और वाइट लड़ियां लगाऊंगी, लेकिन मिली नहीं, उसमें एक लड़ी कम हो रही थी, तो इस वजह से फिर मुझे रेड और ये कॉम भी लेके आना पड़ा। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी मैं अंदर जब लगाऊंगी लड़ियां तब दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैंने इनको भी दिखाया कि देखो मैंने ऐसा डेकोरेट कर दिया, तो इनको भी अच्छा लगा। तो दोस्तों शाम के 5:30 हो चुके हैं और मैं फिर दोबारा से मार्केट गई, क्योंकि इन्होंने बोला मुझे कल मत बोलना कुछ भी काम करने के लिए, जो काम करवाना है आज ही करवा लूँ, क्योंकि मैं फिर कल मार्केट नहीं जाऊँगा। इतना भीड़ भड़ाका हो रहा मार्केट में, वैसे भी जाने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना कि पहले से ही तैयारी करके रख लेनी चाहिए ना जब ऐसे भीड़ भाड़ में। और यहाँ तो वैसे भी इतना ज़्यादा कंजेस्टेड मार्केट है ना कि वही है कि जो मतलब पैदल चलने वालों के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, और गाड़ी में जाओ तो गाड़ी फिर वही है कि 1.5 घंटे तक जाम में फंसी रहेगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ही चले जाते हैं, फिर कल और काम निपटाएंगे और काम कर लेंगे। काम तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि कल, चलो आज कर लिया मैंने आज जैसे काम मार्केट वार्केट का, तो कल मैं रिलैक्स रहूँगी, लेकिन वही है कि कल के लिए कुछ और ही काम निकल जाएगा तब तक। तो बस मैं ये सब चीज़ें लेके आ गई हूँ, ये खील बतासे और फूल भी मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे अभी, तो मैं अभी लेके आ गई। मैं इनका फ्रिज में रख देंगे और क्या कहते हैं उसको, फ्रिज में थोड़ा मैंने सोचा था मैं थोड़ी रंगोली भी बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सारा पोर्शन ऐसा है ना लंबाई में और खाली खाली सा लग रहा है, तो इस वजह से मैं सोच रही थी थोड़ा सा रंगोली बना देती हूँ। लेकिन वही है कि रंगोली बनाने का अब टाइम नहीं है, 5:30 हो चुके हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सुबह से 7 बजे से उठ करके, और अभी 5:30 हो चुके हैं, अब बैठ रही हूँ मैं, और चाय मैंने बनाने के लिए रखी हुई है, और यहाँ पर मैंने लड़ी लगा दी।
तो वहाँ पर इसलिए नहीं लगा पाई मैं लड़ी, क्योंकि वहाँ के लिए एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, इतनी तार लंबी नहीं जा रही है वहाँ तक के लिए जो मैं एक्सटेंशन लगाऊँ। बाहर भी बल्ब बल्ब कुछ नहीं है शायद, अभी उसका देखना पड़ेगा कि कहाँ से ऑन होता है कहाँ से ऑफ होता है, ये भी मुझे पता नहीं है। वहाँ भी थोड़ा सा उजाला अच्छा लगता है त्यौहार के टाइम पर, वो भी दिवाली जैसे टाइम पर। तो बस अभी हम लोगों के यहाँ पर आज छोटे दिवाली सेलिब्रेट ऐसे करते हैं कि थोड़ा पूरी पकौड़ी बनानी पड़ती है पूजा के लिए अभी शाम के लिए। तो बस मैंने उड़द की दाल भिगो कर रखी हुई है, वो मुझे पीसनी है, थोड़ा पूरी पकौड़ी बनाऊंगी और आलू की सब्जी बनाती हूँ और उसी में ही काम चल जाएगा मेरा। थोड़े से चावल भी बच रखे हैं, दिन में मैंने तो कुछ खाया नहीं है, तो बस इसी में ही हो जाएगा काम। तो देखते हैं अभी कुछ करते हैं इन लड़ियों का, अगर लग पाएंगी। इतनी मेहनत से मैं लेके आई हूँ, मन था मेरा कि मैं लगा दूँ थोड़ा, क्योंकि सबके घर जगमग जगमग लग रहे हैं, हमारा घर ही ऐसा लग रहा है अजीब सा। तो थोड़ी बहुत मैंने इधर भी लगा दी हैं, उधर भी लग जाती तो ज़्यादा सही था। तो देखते हैं अभी कि क्या हो पाता है। तो चलो फिर फटाफट से दाल पीस देती हूँ मैं और खाना वाना निपटा के फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी दिन में, तो फटाफट से मैं इसको पीस लेती हूँ ज़रा। तो इसमें अभी मैं ऐड कर रही हूँ नमक और ये हल्दी और ये मिर्च पाउडर। तो बस अब इसी के साथ सीधे घुमा लूँगी मैं ऐसे मिक्सर में। तो यहाँ पे मैंने दाल पीस के रख ली है, ये थोड़ा सा ना मुझसे गीली पीस गई है, कोई बात नहीं है। और ये आटा गूंद के भी रख दिया मैंने। तो ये आ गया है एक्सटेंशन भी, तो मैं थोड़ा लड़ी लगा ही देती हूँ पहले, क्योंकि फिर वही है ना, मन नहीं मान रहा है मेरा। तो अभी टाइम हो रहा है 6:09, 7:15 बजे तक भी पूजा होगी तो चलेगा। तो फटाफट से पहले मैं लड़ियों को लगा देती हूँ यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए तो हमने इस तरीके से ये लड़ी लगा ली है थोड़ा शगुन करने के लिए, बाकी इसका जो डिजाइन विजाइन है वो हम कल डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल हमने ये ऐसे लगा दिए हैं। तो फिर आई मैं किचन में लड़ी वड़ी लगा के, और यहाँ पे मेरी पूरी पकौड़ियाँ बन रही हैं। प्रेशर पे मैंने फटाफट से आलू भी रख दिए थे, और थकान के मारे इतनी हालत ख़राब हो रही है, बस ये हो रहा है कि कब खाना खाऊं मैं और कब जाके सोऊं, क्योंकि दिन भर से काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। तो फिर आई मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए, मैंने फटाफट से पूजा कर ली है यहाँ पर, और साथ के साथ मैं दिए भी जलाऊंगी। तो थोड़े बहुत दिए बाहर भी लगाने हैं, तो बस उसकी भी अभी तैयारी करेंगे। तो पूजा निपटा के फिर पहले मैं दिए विए जला दूंगी और फिर अपना खाना बाद में बनाऊंगी। तो पूजा हो गई है दोस्तों, और इस तरीके से आज मेरा मंदिर लग रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने मेरी हेल्प की दिए जलाने में, तो बस दिए जला दिए हैं और सभी कोनों पर रख दिए हैं। तो आप लोग कैसे मनाते हो दिवाली, छोटी दिवाली, वो भी शेयर कर लीजिएगा आप मेरे साथ। और बस अब काफ़ी ज़्यादा थकान लग चुकी है, तो अब मैं फटाफट से बनाऊंगी खाना, क्योंकि मैंने पूरी पकौड़ी तो बना ही ली है, कुछ मैंने मतलब अभी रखी हुई थी जब तक पूजा करती हूँ, क्योंकि उड़द की पकौड़ियों को ना थोड़ा सी आँच पे ही पकाना पड़ता है, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो मैंने पूजा वूजा की थी तब तक मैंने रख दिए। और यहाँ पर तुलसी वुलसी में मैंने दिया जला दिया है, बाहर भी मैंने अच्छे से डेकोरेट किया था इन्हीं दियों से। तो बस चलिए इस वॉक का एंड मैं अभी यहीं पर करती हूँ, और पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि गर्म पानी में डुबाने पड़े पैर लास्ट में। तो चलिए फिर मिलूंगी अब आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड।